नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑल इन ऑन ओपी में। दोस्तों अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब बटन होगा उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ। दोस्तों मैं आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे, अगर आपका रेलवे टिकट में आपका SMS नहीं आ पाया है या फिर डिलीट हो गया है या फिर आपने टिकट प्रिंट नहीं किया था, आप उसको री SMS भी ले सकते हैं, मतलब दोबारा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना IRCTC का लॉगिन कर लीजिए, जो भी आपका आईडी है उसे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे माई ट्रांजेक्शन ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें बुक टिकट हिस्ट्री होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे ये सब टिकट बुक किया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको टिकट अगर आपको री SMS लेना है तो आप कभी भी नहीं ले सकते, आप जब टिकट बुक किए उसके 3 दिन पहले ही आपको मिलेगा, मतलब जिस दिन आपका जर्नी डेट है, जैसे 28 जुलाई 2017 का जर्नी डेट है, तो आपका इसका 3 दिन पहले मिल सकता है, मतलब कि ये आपको 26 को मिल सकता है, 25 को मिल सकता है और 27 को मिल सकता है, तो 3 दिन पहले ही आप ले सकते हैं। तो अभी तो मेरा जर्नी डेट नहीं है क्योंकि आज 24 है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ करना कैसे। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि मेरा जर्नी डेट नहीं इसलिए अभी टिकट नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना जो भी टिकट का आप री SMS लेना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन है, टिकट 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे गेट SMS ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे बता रहा है गेट SMS इज अलाउड 3 डेज इन एडवांस फ्रॉम द जर्नी डेट, मतलब कि 3 दिन पहले ही मिलेगा, फिर आपका दोस्तों उसी नंबर पर SMS चला जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।